स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कार्तिक के पटेल, लेक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, VPMP पॉलिटेक्निक, सब्जेक्ट नेम इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, यूनिट नेम यूनिट नंबर 1 ट्रैक्शन सिस्टम, टॉपिक नेम टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव, तो हियर वी आर कवर द मेन फोर टॉपिक, स्टीम इंजन ड्राइव, मेन फीचर्स ऑफ स्टीम इंजन ड्राइव, डायरेक्ट आईसी इंजन ड्राइव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन ड्राइव एंड समरी ऑफ टॉपिक। नाउ द स्टीम इंजन, द स्टीम लोकोमोटिव इज अ लोकोमोटिव पावर बाय द स्टीम। द टर्म यूजुअली रिफर इज टू यूज ऑन रेलवेज, बट इट कैन ऑल्सो रिफर एज अ रोड लोकोमोटिव सच एज ट्रैक्शन इंजन। ऑन अ स्टीम लोकोमोटिव अ फायर इन फायर बॉक्स हीट वाटर टू क्रिएट अ स्टीम। दिस स्टीम इज चैनल थ्रू ट्यूब ऑन स्टीम डम वेयर द इंजीनियर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट विल गो इन टू द सिलेंडर। दिस स्टीम चैनल टू अ सिलेंडर्स वेयर इट्स पुश द कनेक्टिंग रोड्स एंड टर्न ऑन व्हील्स। तो स्टीम इंजन ड्राइव में क्या होगा मेनली, तो एक बॉयलर होगा, बॉयलर में हमको कॉल डालना है। जैसे ही हम कॉल डालेंगे तो कॉल बर्न होगा, बर्न से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वही हीट एनर्जी पानी को गर्म करेंगी। पानी को जैसे ही गर्म करेगी तो पानी का स्टीम में कन्वर्जेशन होगा। जैसे ही स्टीम का कन्वर्जेशन होगा तो स्टीम को हम क्या करेंगे, स्टीम स्टोरेज में ले जाएंगे। वही स्टीम स्टोरेज में वहाँ प्रेशर क्रिएट करेंगे, वही स्टीम हम एज अ पिस्टन सिलेंडर में फ्लो करेंगे। तो पिस्टन सिलेंडर मूव होगा, जैसे ही मूव होगा उसके साथ व्हील कनेक्ट किया होगा तो वो व्हील भी मूव होगा। तो वो हम नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं, यहाँ इजी सिंपल फिगर दिया हुआ है। ये जो रेड एरो है ऊपर की साइड लेफ्ट साइड, वहां से इनलेट एयर आती है, जो स्टीम आती है वहां जो आप देख रहे हो कि पिस्टन सिलेंडर प्लेस किया हुआ है, वही पिस्टन सिलेंडर से फोर्स क्रिएट होगा, वही यहाँ से एरो से वहां से स्टीम बाहर निकलेगी। सेम डेट यहाँ पिस्टन सिलेंडर के साथ हमने क्या किया है, एक व्हील कनेक्ट कर दिया, तो व्हील ऑटोमेटिकली मूव होगा। जैसे ही मूव होगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में, दैट मींस के रेलवे सिस्टम में कैसे ये सिस्टम प्लेस होता है। तो आप देख रहे हो राइट साइड टॉप अप पर कि एक पिस्टन सिलेंडर कनेक्ट किया है। सेम दैट जैसे ही स्टीम आती है तो फोर्स क्रिएट होता है, जैसे ही फोर्स क्रिएट होता है तो मेन जो शाफ्ट है वो बीच वाला आपका व्हील है, जहाँ बीच वाले व्हील में मूव होगा उसके साथ मैकेनिज्म प्लेस किया हुआ है, उसके हिसाब से ही दो तीन व्हील्स मूव हो गए। तो ऐसे ही स्टीम इंजन से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टीम इंजन ड्राइव हैज मेन फोर फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट वन इज इट्स अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, इट्स कनेक्ट बिटवीन द सिलेंडर एंड ड्राइविंग व्हील, इट हैज अ वेरी स्मूथ स्पीड कंट्रोल, मेंटेनेंस इज वेरी सिंपल। इसमें मेंटेनेंस में क्या होगा, सिर्फ वॉशिंग, कॉल बर्न होगा तो डस्ट पार्टिकल एस पार्टिकल्स जमा होंगे तो वही हमको रिमूव करना है, बट क्या है उसके लिए टाइम लगता है। एफिशिएंसी इज 8 to 10%, इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेजेस फॉर अस। एफिशिएंसी इज ओनली द 8 to 10%, दैट मींस व्हाट, 100% हम कॉल बर्न करेंगे तो सिर्फ हमको 8 to 10% जितनी मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल होगी। अंडरग्राउंड रेलवे में ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड क्रशिंग रेंज अप टू द 160, इट्स रिक्वायर्ड द पीरियोडिक स्टॉप फॉर क्लीनिंग एश एंड गैस। दैट मींस व्हाट, कि जैसे ही ट्रेन बॉम्बे से अहमदाबाद आ रही है तो बीच में 3 to 4 times प्लेस होगी, ट्रेन स्टॉप होगी। क्यों, क्योंकि जो कॉल बर्न होगा उसमें एस प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगा, उसको निकालना है। सिमिलर दैट द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन आर मोस्ट कॉमनली यूज इन रेलवे सिस्टम। ऑपरेटिंग डिपेंडेबिलिटी फॉर फ्यूल एंड वाटर, कि जो ऑपरेशन चल रहा है कि वीक में कितनी बार
रन होगा तो वो डिपेंड्स है फ्यूल एंड वाटर। ओवरलोड कैपेसिटी इज वेरी लेस बिकॉज द एफिशिएंसी इज वेरी लेस, एमिटिंग स्मोक एंड कोरोजन इन स्टील स्ट्रक्चर। जैसे ही कॉल बर्न होगा सिमिलर दैट चिमनी में से कॉल बाहर निकलेगा स्मोक, तो जैसे ही स्मोक बाहर निकलता है उसके साथ वाटर पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं, सिमिलर दैट जो यूजलेस स्टीम से वो भी बाहर निकलेगी। तो हमारे इंजन का ऊपर का जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें कोरोजन इफेक्ट आती है, नॉट सुटेबल फॉर द अंडरग्राउंड रेलवे, रिक्वायर्ड हाई रेट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो कैसे मैक्सिमम रेट क्यों होता है? ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड रिक्वायर्ड ए पीरियोडिक स्टॉप फॉर क्लीनिंग। तो ये हमारे मेन फीचर्स, उसमें से आपको टोटली 8 फीचर्स आपको प्रिपेयर करने फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। देन आफ्टर हम देख रहे हैं स्क्रीन में कि 1, 2, 3 और 4 फिगर्स में डिफरेंट टाइप्स की स्टीम इंजिन्स ड्राइव्स प्लेस किया हुआ है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही सेकेंड फिगर में कि सो मच पॉल्यूशंस फॉर द एटमोसफियर, तो उसमें भी हम कंटिन्यूसली रिसर्च करके, आपने फोर्थ वाली फिगर देखिए तो उसमें पॉल्यूशन क्या होता है कम होता है, कि कार्बन जो सेकेंड फिगर में कार्बन डस्ट पार्टिकल्स है उसको रिमूव करके ओनली फॉर द गैस और एयर मूव होती है। देन आफ्टर डायरेक्ट आईसी इंजन ड्राइव, तो यू सी इन द फिगर दिस इज अ आईसी इंजन दैट इट्स अ टू स्ट्रोक इंजन। तो आईसी इंजन दैट मींस इंटरनल कंबर्शन इंजन। दिस ट्रैक्शन सिस्टम इज मोस्टली यूज इन रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सिस्टम है जैसे हमारी एक्टिवा, हमारी बाइक, हमारा स्कूटर, हमारी रिक्शा, हमारी बस, हमारी कार उस या ट्रक, उसमें ये सिस्टम का यूटिलाइज होता है। उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% एट ए नॉर्मल स्पीड ऑफ 600 to 1000 RPM। इट्स अ लो स्पीड इज अनइकोनॉमिकल। स्पीड कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन बाय द गियर बॉक्स अरेंजमेंट। तो आपने देखा होगा कि स्कूटर में, बाइक में एज वेल एज कार में, बट गियर सिस्टम प्लेस होते हैं। इट इज यूज फॉर द लाइट ट्रैक्शन ड्यूटी। दैट मीन्स वॉट, ये ओवरलोड कैपेसिटी में ये सिस्टम यूटिलाइज नहीं होता। लाइट ट्रैक्शन ड्यूटी दैट मीन्स वॉट, लो किलोमीटर्स एंड एज वेल एज लेस वेट में यूज होता है। तो दिस इज द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द आईसी इंजन। आप देख रहे हो ऊपर में से फ्यूल आता है, सिमिलर दैट यहाँ से एयर आती है, एयर और फ्यूल, फ्यूल में हम डीजल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं। यह स्पार्क प्लग दिया हुआ है, दोनों का मिक्स कर से कंबर्जन प्रोड्यूस होता है। इंटरनल कंबर्जन इंजन दैट मीन्स कि इंटरनली कंबर्जन करके फोर्स क्रिएट होता है। ये जो पिस्टन सिलेंडर है वो मूव होगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके साथ हम व्हील कनेक्ट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी व्हील में ट्रांसफर होगी और यहाँ से स्मोक बाहर निकलेगा। तो एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन, तो इट्स अ वेरी लो इनिशियल कॉस्ट, वेरी चीपेस्ट ड्राइव, इट्स अ वेरी सिंपल स्पीड कंट्रोल, इट्स अ वेरी सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम एंड एफिशिएंसी इज हायर कंपेयर टू स्टीम इंजन। देयर आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन। एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन, इट हैज अ वेरी लो ओवरलोड कैपेसिटी, इट हैज अ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज अ वेरी लेस, ऑपरेशन इज अन इकोनॉमिकल एट अदर देन द नॉर्मल स्पीड। जैसे ही हमारे बाइक में हम हायर स्पीड में चलाएंगे तो एफिशिएंसी डाउन होगी, तो इट्स अन इकोनॉमिकल। फॉर द हैवी ड्यूटी ट्रेन सर्विस, इट्स ऑपरेटिंग इज नॉट सेटिस्फैक्टरी ड्यू टू द गियर बॉक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो हमने यहाँ कितने पॉइंट्स कवर किए? टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम, स्टीम इंजन, आईसी इंजन और एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन एंड द मेन फीचर्स ऑफ स्टीम इंजन। थैंक यू वेरी मच।